So this is Kiran and welcome to my channel. So yeah, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में आज क्या होने वाला है. एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं इनसे नहीं What? पेंटिंग ब्रश से पेंटिंग करेंगे. तो फिर हम आज नाइफ पेंटिंग नाइफ से पेंटिंग करेंगे. और एक और टूल है, रुको, या इसको भी मैं यूज़ में लेने वाली हूँ पेंटिंग के बीच बीच में. और ये आपको दिख रहा है झाड़ू जैसा ब्रश? हाँ, आप सही समझे, ये झाड़ू से ही बना है. और इसके लिए मुझे मम्मी से बहुत डांट खानी पड़ी. कोई ना गाइस, मैं स्पॉन्ज का भी यूज़ में लेने वाली हूँ पेंटिंग के बीच में. एंड जो पेंटिंग मैं बनाने वाली हूँ, आई एम श्योर यू गोना लव इट. एंड या गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको मेरा कलर बॉक्स नहीं दिखाया था, इस बार मेरे पास मेरा कलर बॉक्स है. ये है कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड के ऑयल कलर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही यूज़ करती हूँ, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं. मुझे ऑयल कलर्स का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत स्मूथली अप्लाई होते हैं सरफेस पर. और उनको कोई भी मिस्टेक होने पर हम उन्हें टाइम मिल जाता है उनको चेंज करने के लिए, जबकि एक्राइलिक कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. एंड गाइस, मैं वीडियो के लास्ट में आपको मेरी रीसेंट बुद्धा पेंटिंग दिखाऊंगी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी. एंड यस, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरी वीडियो को मिस ना करें. मैं एवरी संडे एवरी वीक आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ में वीडियो लाती रहूंगी. तो आप वीडियो को मिस ना करें तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Thank you.
एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको मेरी रीसेंट बुद्धा पेंटिंग दिखाऊंगी। अगर आप भी ऐसी कोई पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।